वेलकम बैक बेटा, ऑनलाइन क्लासेज में आपका अभिनंदन है। आज पढ़ेंगे टॉपिक जिसका कुंभ टेस्ट पढ़ रहे थे इससे पहले ऑलरेडी। ठीक है, तो कुंभ टेस्ट के बारे में हम पढ़ चुके थे। कुंभ टेस्ट क्या होता है, इसका क्या अहम है, और अब हम आगे पढ़ेंगे। डायरेक्ट कुंभ टेस्ट पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे इनडायरेक्ट। दो प्रकार का कुंभ टेस्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, आज पढ़ेंगे हम इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट। ओके, इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट। सब कुछ वही है, वापस सुन लीजिएगा। कुंभ टेस्ट की खोज वगैरह ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। डायरेक्ट दो प्रकार का हो रहा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे सबसे पहले। प्रिंसिपल क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक ही होता है दोनों का। क्या होता है कि सीरम में उपस्थित या ब्लड में उपस्थित ऐसे एंटीबॉडी जो कौन से है, इनकम्प्लीट एंटीबॉडी है। कौन से है, इनकम्प्लीट एंटीबॉडी है, उनका पता लगाने के लिए यह टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। कौन सा था, कुंभ टेस्ट। मुख्य रूप से ब्लड में उपस्थित ऐसे एंटीबॉडी जो इनकम्प्लीट है, जो एंटीजन के साथ बाइंड नहीं हो सकते, उनका डिटेक्शन करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो है आपका कुंभ टेस्ट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, देखिए। सबसे पहले आपको जरूरत होगी बेटा एनएस की, फर्स्ट सेकंड ब्लड सैंपल, थर्ड आपका टेस्ट ट्यूब, फोर्थ आपका पिपेट, फिफ्थ आपका सेंट्रीफ्यूज मशीन, फिफ्थ आपका हम लोग यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी बेटा कम्स रिएजेंट, जो मुख्य रूप से एंटी सीरम में एंटीबॉडी होता है। ओके, इसके बाद में कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम आगे देख लेंगे। ये कुछ आर्टिकल्स हैं, रिक्वायरमेंट है, जिनकी हमें टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए मुख्य रूप से आवश्यकता होगी। इसके बाद में पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट के बाद में प्रोसीजर। क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर, की प्रोसीजर कैसे किया जाता है। देखिए बेटा, प्रोसीजर करने से पहले आपको एक सस्पेंशन तैयार करना आना चाहिए, और वो सबसे पहले स्टेप है आपकी प्रोसीजर की। ये लो प्रोसीजर आपका, और सबसे पहली है प्रिपेयर ऑफ पुल सेल्स, सेल सस्पेंशन। ऑफ पुल सेल सस्पेंशन कैसे तैयार कर, ये आपके मन का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले प्रोसीजर की स्टेप फॉलो करने से पहले आपको ओपुल सेल सस्पेंशन बनाना होगा। और वो कैसे बनाते हैं सुनिए, एक बार समझा देता हूं, बाकी आगे आएगा तो भी एक प्रोसीजर होता है। देखिए, सबसे पहले ब्लड बैंक से हम ओ ब्लड ग्रुप वाले पेशेंटों का, या ओ ब्लड ग्रुप वाले डोनर जितने ने डोनेट किया है उनका ब्लड बैंक लेंगे। ओ ब्लड ग्रुप के 3 बैग लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर तीनों बैगों में से एक एक ड्रॉप डाल रहे हैं, या दो दो ड्रॉप मान लीजिए। ओके, तीनों ब्लड बैग में से, ओ ब्लड ग्रुप के 3 ब्लड बैग लिए, तीनों में से कुछ अमाउंट में ब्लड लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, और टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेने के बाद भी मुख्य रूप से अब इसको हम एनएस से, एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन होता है, इससे हम 5-6 बार वास करते हैं। वास करने का तरीका जो हम सेल सस्पेंशन में पढ़ते थे कि 3/4 उसको फिल करते थे हम एनएस से, और उसके बाद में उसको ऊपर वाले एनएस को वापस डिस्कार्ड कर देते थे, वेस्ट कर देते, उसके बाद में फिर हम एनएस डालते, फिर वास करते, ऊपर वाले को फिर खाली कर देते। सेम टू सेम वैसे ही हम एनएस से 5-6 बार वास करते हैं, और इसके बाद में आपका ओ पुल्ड सेल तैयार हो जाता है। ओ पुल्ड सेल सस्पेंशन इसलिए बोला क्योंकि आपने पेशेंट का ब्लड ग्रुप बैग कौन सा लिया है, ओ, तो आपको ओ पुल्ड सेल सस्पेंशन बनाना आना चाहिए। तो ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले 3 बैग ओ ब्लड ग्रुप के लेते हैं, तीनों में से कुछ अमाउंट ब्लड काम में टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं, फिर एनएस से वास करते हैं, और इस प्रकार से आपका ओ पुल्ड सेल सस्पेंशन तैयार होता है। तो सबसे पहले तैयार करेंगे, सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, 1 ड्रॉप,
वन ड्रॉप ऑफ पुल सेल सस्पेंशन टैग इन टेस्ट ट्यूब, और प्रिपेयर करने के बाद में एक ड्रॉप जो आपने ऑफ पुल सेल सस्पेंशन तैयार किया है उसका एक ड्रॉप लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसके बाद में उसके अंदर हम ऐड करेंगे ऐड टू ड्रॉप ऑफ पेशेंट सैंपल, पेशेंट का सैंपल ऐड करेंगे या बोल सकते हैं कि सीरम ऐड करेंगे ओनली, पेशेंट का सैंपल ऐड कर दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, इन टेस्ट ट्यूब, इन टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब आपने ऑपोल सेल सस्पेंशन लिया है, वन ड्रॉप टू ड्रॉप पेशेंट का सैंपल लिया, अब इसको 15 मिनट के लिए वेट करेंगे, इंतजार करेंगे 15 मिनट के लिए बॉडी टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर, बॉडी टेम्परेचर पर, ओके। इसके बाद में हम इसके अंदर कॉम्स रिएजेंट ऐड करेंगे, कॉम्स रिएजेंट वन ड्रॉप ओनली, कॉम्स ऐड या शुरू में लिखना चाहिए बेटा ऐड वन ड्रॉप कॉम्स रिएजेंट इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ऐड करेंगे, एक ड्रॉप हम कॉम रिएजेंट को ऐड करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे या फिर यू लिखेंगे, मिक्स बाय क्लीन पिपेट, क्लीन पिपेट के द्वारा उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद में ऑब्जर्व करेंगे इसको, किसको, एग्लूटिनेशन को, किसको, एग्लूटिनेशन को, एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व में क्या होगा, ये आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। सबसे पहले वन ड्रॉप पुल सेल सस्पेंशन के लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, दो ड्रॉप पेशेंट सैंपल के ऐड करते हैं, इसके बाद में 15 मिनट तक बॉडी टेम्परेचर पर वेट करते हैं, इसके बाद में वन ड्रॉप कॉम्स रिएजेंट ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको अच्छे तरह से मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अंदर क्लंप बना है या नहीं बना है। ये आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आगे है आपका रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा देखिए बेटा, रिजल्ट यदि क्लंप प्रेजेंट है या एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है, एग्लूटिनेशन या क्लंप प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि इनकंपर्जेंट है, तो पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट, इसका मतलब ये हुआ कि इनकम्प्लीट एंटीबॉडी बसीरम में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, और यदि एग्लूटिनेशन एब्सेंट रहा या नो एग्लूटिनेशन रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सीरम में इनकम्प्लीट एंटीबॉडी एब्सेंट है, इनकम्प्लीट एंटीबॉडी क्या है, एब्सेंट है। इसके बाद में बात करेंगे एरर, वो आपके गिने चुने एरर, आपका विजुअल एरर हो सकता है, टेक्निकल एरर हो सकता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, टाइमिंग एरर हो सकता है, एडिंग एजेंट हो सकता है, एडिंग एजेंट पर कॉम्ब एजेंट इतना जितना क्वांटिटी में चाहिए उतना एडिंग एजेंट इतना नहीं मिला है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब सैंपल हो सकता है, टेस्ट ट्यूब एरर हो सकता है, जैसा टेस्ट ट्यूब चाहिए वैसा नहीं होना, और आपका टेक्निकल एरर हो सकता है। इस प्रकार से आपके विभिन्न प्रकार के एरर हो सकते हैं जो आपके टेस्ट के अंदर, या फिर ऐसा कह सकते हैं लास्ट आपका यदि क्लीन, यदि आपकी टेस्ट ट्यूब क्लीन नहीं है तो डर्टी एरर भी हो सकते हैं, तो ऐसे मुख्य रूप से बहुत सारे एरर हो सकते हैं। इसके बाद में है यूजेस, इस टेस्ट का यूजेस है तो ऑलरेडी बता चुका मैं, हीमोलाइटिक डिजीज, क्योंकि एंटीबॉडी इनकम्प्लीट होगा तो आरबीसी को रप्चर करेगा तो हीमोलाइसिस होगा, और इस प्रकार से होने वाले बीमारियों को हीमोलाइटिक डिजीज कहेंगे, और इस प्रकार से होने वाले एनीमिया को हीमोलाइटिक एनीमिया कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचने के लिए ये टेस्ट पहले करना होता है, किसकी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में इनकम्प्लीट एंटीबॉडी है या नहीं है। इसके बाद में आपका सिफिलिस के लिए, सिस्टमेटिक ल्यूपस अर्थराइटिस के लिए,
एचडीएन के लिए, हिमोलाइटिस बच्चों के अंदर होने वाली बीमारियों के लिए है। तो ये कुछ इसके यूजेज हैं जिनमें आपको खून टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, या यू बोल सकते हैं ये टेस्ट उनके लिए परफॉर्म किया जाता है जिनकी शरीर के अंदर ऐसे एंटीबॉडी होते हैं जो हमारे बॉडी की सेल्स को दूसरा समझकर किल करते हैं। इस प्रकार के एंटीबॉडीज को ऑटोइम्यून एंटीबॉडी कहते हैं, और ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए मुख्य रूप से खून टेस्ट किया जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो चुके हैं, ठीक है। ये आपका टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया है खून टेस्ट का। यदि फिर भी किसी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेस्ट में दोनों में प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कोई बात नहीं है। बाकी ये टॉपिक मेरी तरफ से पूर्ण रूप से कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।